हेलो गाइस, वेलकम टू रश्मीज़ किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पकौड़ियाँ। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी है और आज संडे है तो स्पेशल तो बनता है। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम एक बड़ा सा पतीला लेंगे, उसके अंदर 1 कप बेसन डालेंगे। 1 कप बेसन के लिए पिंच ऑफ हल्दी काफ़ी होगा। उसके अंदर हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, एक चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच सूजी या फिर सेमोलिना, 1 टीस्पून बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, कड़ी पत्ता, हम उसमें नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। उसके बाद हम उसको थोड़े थोड़े करके पानी डाल के अच्छे से एक मोटा सा घोल बना लेंगे। हम इस तरह से घोल को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं रहे और ये एक लम्प्स भी बैटर बन के तैयार हो जाए। अब इसमें खाने का सोडा डालेंगे, 1/2 टीस्पून खाने का सोडा इसमें काफ़ी होगा। अब इसको अच्छे से मिला देंगे अपने चम्मच से। देखिए, एक इसे फूल गया है। हम पहले से ही आलू को छोटे छोटे टुकड़े में बारीक में कट करके रखेंगे, उसको डाल देंगे। अब इसमें बारीक में कटे हुए प्याज भी डाल देंगे। आप चाहे तो आलू को स्किप कर सकते हैं। अब उसको अच्छे से फेंट लेंगे और ये बन गया हमारा पकौड़ियाँ का बैटर। अब इसमें हम पकौड़ियाँ बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और गैस के ऊपर रखेंगे ताकि तेल अच्छे से गर्म हो जाए। अच्छे से गर्म होने के बाद ही हम उसमें पकौड़ियाँ ऐसे डालेंगे और हमारे गैस हाई में रहना चाहिए और हम जितना तेल लेंगे उसके हिसाब से हम अपने पकौड़ियाँ डालेंगे। अगर आप हाथ से नहीं डाल सकते तो आप स्पून से भी डाल सकते हैं। अपने गैस को आप हाई में ही रखिए, कम नहीं करना, और हाई में रखते हुए आप अपने पकौड़ियाँ डालते जाइए। अपने तेल जितने है उसके हिसाब से आप पकौड़ियाँ डालते जाइए और ये होने के बाद देखिए पकौड़ियाँ कैसे ऊपर आ रहे हैं और उसके कलर भी आ रहे हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी रहता है। तो आप उसको अच्छे से कच्ची से ऐसे हिला दीजिए ताकि चारों तरफ से वो सिक जाए। पकोड़े तलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट में पकोड़े तल के रेडी हो जाते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उसके अंदर कोई कच्चा ना रह जाए। इसके लिए आपको उन पकौड़ियों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि गैस हाई में रहता है, उसको चारों तरफ से सेकना पड़ता है। करछी से ऐसे हिला हिला कर आप पकौड़ियों को चारों तरफ से सेक लीजिए अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, हमारा पकौड़ी बन गया है। अब उसको हम छन्नी की सहायता से ऐसे निकाल देंगे।
अब हम अपने बाकी की पकौड़ियाँ डालेंगे। अपने हाथ को बचाते हुए तेल से इसे ही छोटे छोटे करके अपनी पकौड़ियाँ डालेंगे। दोस्तों पकौड़ियाँ का कोई भी शेप नहीं रहता, वो आपके हिसाब से आपके हाथ के हिसाब से जैसे भी बनता है बहुत स्वादिष्ट बनता है। एक बार अपने किचन में बनाइए ऐसे पकौड़ियाँ, खाइए उसके मजा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये पकौड़ियाँ भी बन गया। अब हम उसको तेल से ऐसे छन्नी की सहायता से निकाल देंगे और पकौड़ियों को सॉस के साथ या फिर चटनी के साथ परोसेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त है।